चारपाई जो तकरीबन 5,000 साल पुरानी तारीख रखती है, हर दौर में हर घर की एक अहम ज़रूरत रही है। वक्त के साथ साथ और ज़रूरत के मुताबिक इसकी बनावट में आस्ता आस्ता तब्दीली आती रही है। लकड़ी की रवायती चारपाइयों की जगह अब लोहे की चारपाइयों और बेड ने ले ली। शहरों की बनिस्बत गाँव में अभी तक लोगों ने इस सकाफत को ज़िंदा रखा हुआ है। ये सकाफत अब तारीख का हिस्सा बनती जा रही है और सिर्फ गांव में आपको ये नक्शो नगार वाली लकड़ी की बनी पुरानी चारपाइयाँ नज़र आएंगी। तो चलिए आज आपको लेके जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर ये रवायती सकाफती चारपाइयाँ तैयार की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे तैयार होती हैं और कैसे इनके ऊपर नक्शो नगार किया जाता है। हरिपुर में ये सकाफती चारपाइयाँ पनिया के मुकाम पर तैयार की जाती हैं और पनिया हरिपुर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। तो चलिए आज आपको लेके जाते हैं। इस वक्त हम मेन जीटी रोड से जा रहे हैं पनिया की तरफ और हमारी दाई साइड पे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, जबकि हमारी बाई साइड पे हरिपुर का जुडिशियल कम्प्लेक्स वाक़ है। ये आगे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये राइट साइड पर अभी हमारे ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शुरू हो गए। ये दाई तरफ आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं थोड़ा सा कैमरा इधर करता हूँ, ये देखिए। और अभी आपको दिखाते हैं, इसके सामने जुडिशियल कम्प्लेक्स है ये हरिपुर का, ये आपको नज़र आ रहा होगा अभी। और इससे हमने सीधे जाना है, ये दो निशानियां हैं जहाँ से अब हम गुजर के जा रहे हैं आगे की तरफ। और यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। हरिपुर से तकरीबन 1 किलोमीटर का यहाँ पर फासला है। तो यहाँ से अभी हम पनिया की तरफ रवाना हो चुके हैं। रोड के दोनों तरफ इलाका बहुत खूबसूरत है और दोनों तरफ रोड के ये इलाका जो है वो ज़ेर काश रकबा है और यहाँ पर मौसम के साथ साथ मुख्तलिफ फसलें काश की जाती हैं। और यहाँ से दूर तक का नज़ारा आपको नज़र आएगा और पहाड़ भी नज़र आएंगे। और ये हम पहुँच आए हैं बाईपास के करीब। ये सामने बाईपास, हरिपुर बाईपास का पुल आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से ये कांगड़ा कॉलोनी से निकलता है और यहाँ से शाह मोहम्मद की तरफ जाके ये मोटरवे के साथ मिलता है। और इसके बाद आगे हरिपुर का बाईपास रोड आने वाला है। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे तो वो रोड हमें नज़र आने शुरू हो जाएगा। ये सामने हमें वो रोड नज़र आ रहा है और थोड़ी देर में अभी जब इसके करीब पहुंचेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाईपास का रोड यहाँ से दाईं तरफ जाकर आगे शाह मोहम्मद की तरफ निकलता है, वहाँ पर मोटरवे पे। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं पनिया की तरफ और बाईपास के करीब हम पहुँच आए हैं। पनिया में मेरा एक बचपन का क्लास फेलो है, हारून नाम है उसका, उससे मैंने बात की थी इस बारे में। तो उसने कहा था कि आप आ जाओ तो मैं आपको ये सारा एरिया विज़िट करवा दूंगा जहाँ पे ये चारपाइयाँ बनती हैं। तो अभी मैं सीधा हारून की तरफ जा रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचा हैं पनिया और इधर हम आए हैं, हमारा एक दोस्त है, उसकी शॉप है हार्डवेयर की और यही हमें लेके जाएंगे उधर। और ये हमें सारा उधर जगह की सैर करवाएंगे। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हारून, हारून हेलो, बात सुनो, ये हारून आ गए हैं जी, ये मेरा क्लास फेलो है और बहुत नाइस बंदा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बैठे। तो ये हमारे साथ आज जाएंगे और जाके हमें सब तमाम जितनी डॉक्यूमेंट्री है ये इन्हीं के तावन से बनेगी। अभी अरुण ने हमें ज्वाइन कर लिया है और अभी मैं अरुण के साथ आगे जा रहा हूँ। यहाँ से नज़दीक ही है इसकी दुकान से, तकरीबन 1 मिनट का रास्ता है। तो ये हमें लेके जा रहा है उन दुकानों की तरफ या उस कारखाने की तरफ जहाँ पे ये चारपाइयाँ बनती हैं। तो चलिए अरुण के साथ जाते हैं और विज़िट करते हैं उस इलाके का। और ये हम पहुँचाए हैं, यहाँ से ये दुकानें शुरू हो गई हैं और ये सामने आपको नज़र आ रही होंगी कुछ चारपाइयाँ बाहर पड़ी हुई। तो यहाँ से ये सारी मार्केट शुरू हो जाती है जहाँ पे ये चारपाइयाँ बनाते हैं। ये दुकानें यहाँ पे शुरू हो गई हैं ये साथ साथ में। और ये हम एक दुकान पर पहुँच आए हैं, ये आपको कुछ नज़र आ रही होंगी चारपाइयाँ वगैरह। ये नाज़रीन चारपाई को जोड़ रहे हैं, ये चारपाई के दो पाए इन्होंने एक लकड़ी के साथ जोड़े हुए हैं। और ये देखिए, ये अब उसमें जो कमी बेशी है उसको दूर कर रहे हैं, उसको फिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा जी,
पाए हैं। इसमें पाया फिक्स कर रहे हैं। जब कंप्लीट हो जाएगी हम आपको उसका कंप्लीट व्यू भी दिखाएंगे। ये इनके रंग पड़े हुए हैं, ये देखिए ये रंग यहाँ पे इन पाए जो होते हैं इनके ऊपर लगाते हैं। और ये कंप्लीट चार पाइयां, ये कुछ छोटी काम नहीं, इनको कीड़ा कहते हैं, वो बने पड़े हैं। ये कीड़ा यहाँ किचन वगैरह में बैठने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। और ये इन पर कुछ काम हुआ हुआ है, कुछ तैयारी के मरहल में कंप्लीट नहीं हुआ अभी। ये जो इनके ऊपर ये नक्शकारी होती है इसका भी हम आपको बताते हैं अभी। ये नाज़रीन आप देखिए, ये जो उसके ऊपर नक्शकारी हो रही है उसका प्रोसेस है। देखें बड़ी महारत के साथ ये उसके ऊपर रंग लगा रहे हैं। और इनको इन्होंने एक व्हील टाइप सेटअप में लगाया हुआ है जिस पे इसको घुमा रहे हैं। और बिल्कुल इसकी वजह से इसमें बड़ी सफाई आ रही है काम के अंदर। ये देखिए जनाब, ये कारीगर बड़ी कम उम्र का कारीगर है ये। और ये इस कारीगर का काम है नाज़रीन, ये देखिए। अभी इसमें मज़ीद काम होना बाकी है अभी। और ये हैं इनके जो है मुख्तलिफ किस्म के कलर्स जो ये अप्लाई करते हैं इधर इसके ऊपर। ये जनाब शकीरत थे जिनकी, ये जो शकीरत है इनकी बना चुकी है। अभी हम उस्ताद की तरफ जा रहे हैं, इनके जो उस्ताद हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये कहाँ से हैं? हम यहीं से हरिपुर से ही आए हैं जनाब। ये नाज़रीन इसके ऊपर बड़ी बारीकी का काम है। बज़ाहिर जब हम इनके नक्शकारी देखते हैं तो अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जितनी मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये इसका पाया तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जो फाइनल इसका प्रोसेस होता है वो उसकी लाइफ के लिए होता है कि ज़्यादा अरसा ये निकाले, उसके लिए वार्निश की पूरी ऊपर लेयर इसके लगाएंगे। हाँ जी, जिससे इसको पानी से और मुख्तलिफ असरात से ये बच जाएगा और ये इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ये प्रोसेस हो चुके हैं, इनके ऊपर वार्निशिंग हो चुकी है। और ये जो हैं विदाउट वार्निश हैं, इन पे अभी काम होना रहता है। अभी हम आपको वार्निश का भी प्रोसेस सारा बताएंगे। ये नाज़रीन बना रहे हैं जी इनके ऊपर नक्शो नगार नहायत ही कारीगरी के साथ और बारीकी के साथ। और ये हैं कुछ पाए जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। और बाकी जो हैं ये भी एक भाई लगे हुए हैं काम कर रहे हैं। अच्छा, वो वाइट कलर के साथ काम कर रहे थे, ये शॉकिंग ऑरेंज कलर के साथ काम कर रहे हैं। ये है इनका कलर। और ये पाए की जो निचला एरिया है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये है सारा इनका सेटअप। और ये है कंप्लीट चारपाई। ये है नाज़रीन इनके पाए, ये है रॉ फॉर्म में।
इन पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई हुई और ये कंप्लीट है। इनके ऊपर इन्होंने सारी नक्शकारी की हुई है और ये हैं कंप्लीट चारपाइयाँ यहाँ की। और ये देखिए शादी हैं और ये अंदर कुछ बुनी हुई है, ये तैयार हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी इनसे तफसील लेंगे कि क्या क्वालिटी वाइज और क्या कीमत है इनकी, किस लिहाज से। नाज़रीन, ये जो चारपाई है ये 5,500 की है, तैयार कंप्लीट, ये बुनी हुई, और ये एक बुनी हुई 7,500 की। अभी इसमें जो फ़र्क है वो इसके पायों का, इसके पाए आप देख लें, ये थोड़े सिंपल हैं, और ये वाले जो पाए हैं ये थोड़ा ज़्यादा नक्शो नगार, उनकी शेप भी और उनका साइज़ में भी फ़र्क है, और इसी वजह से जो है कि इसकी कीमत का फ़र्क है। ये आप देखें, ये नक्शो नगार इनके ऊपर, और ये सारा इनका शोरूम है। ये पीड़े भी हैं यहाँ पे, यहाँ के रवायती पीड़े हैं ये देखिए, और ये हैं इनकी रवायती चारपाइयाँ, कीकर और टाली की जो है लकड़ी इस्तेमाल करते हैं इसमें, ये बुनी हुई तैयार हैं, और कुछ ये फ्रेम हैं इनके। हर चीज़ महंगी हो गई, बहुत